2014 के बाद पहले 10,000 स्टार्टअप तक पहुंचने में हमें लगभग 800 दिन लगे थे। मैं दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने के लिए बिठाया उसकी बात करता हूं, उसके बाद की। लेकिन हाल में जो 10,000 स्टार्टअप इस इको सिस्टम में जुड़े हैं वो 200 दिन से भी कम ही जुड़े हैं। तभी बीते 8 साल में हम कुछ 100 स्टार्टअप के बढ़कर आज 70,000 के पड़ाव को पार कर चुके हैं। भाइयों और बहनों, स्टार्टअप्स और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है, और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहां देश का गौरव इसरो है, डीआरडीओ का एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। केंद्र सरकार युवाओं को हर जरूरी प्लेटफॉर्म दे रही है, इनमें देश का युवा मेहनत कर रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी कॉम्पीट करेगी, देश के युवाओं की बनाई कंपनियों के साथ कंपीट करेगी, तभी हम दुनिया के साथ कंपीट कर पाएंगे। मेरा साफ मानना है उपक्रम चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, दोनों देश के एसेट हैं, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बराबर मिलना चाहिए। यही सबका प्रयास है, सबका प्रयास का यही मंत्र आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ऊर्जा है। एक बार फिर सभी कर्नाटका वासियों को विकास के इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बसवराज जी के नेतृत्व में हमारा कर्नाटक और तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आपके साथ खड़ी हुई है। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।